आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नए से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड़ग के भय से। देखिए, सत्ता का अर्थ शासन का अधिकार, सिमट सिमट अर्थात इधर उधर से छीनकर हाथों में आना अर्थात प्राप्त होना, शांति भक्त अर्थात शांति के उपासक, साधु पुरुष अर्थात सज्जन व्यक्ति, लड़ाई अर्थात युद्ध। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि दिनकर ने शोषकों की नीतियों का विरोध भीष्म पितामह के शब्दों में किया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह सत्य है कि जिन्होंने शासन का अधिकार इधर उधर से छीनकर प्राप्त किया है, वे स्वयं को शांति के उपासक बतलाते हैं, अर्थात ऐसे स्वयं को सज्जन पुरुष मानने वाले व्यक्ति भला कभी युद्ध क्यों चाहेंगे। अर्थात जो सदैव लाभ की स्थितियों में रहना चाहते हैं, वे भला उत्पात अथवा युद्ध नहीं चाहते। परंतु इसके विपरीत पीड़ाओं को सहन करने वालों के हृदय में क्रांति रूपी अग्नि सदैव सुलगती रहती है। सुख का सम्यक रूप विभाजन, सम्यक अर्थात उचित प्रकार से, भली प्रकार से, विभाजन अर्थात विभाजन होना, बांटना, जहाँ नीति से नए से, कि जहाँ सुख सुविधाओं का उचित या भली प्रकार से विभाजन हो, जहाँ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन हो रहा हो, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से, वह अशांति स्वतः ही दब जाती है। अर्थात ऐसे स्थानों में तलवार के भय से अशांति नहीं दबती, वह तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि महाभारत के प्रसंग को लेकर कवि ने वर्तमान समय की दशाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है, और भाषा सरल सहज और पाठकों के लिए ग्राह्य है। देखिए अगली व्याख्या। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अत्याचारी। सूत्रधर अर्थात समाज पर नियंत्रण रखने वाले, अविचारी अर्थात विवेक से रहित। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के अवश्यंभावी कारणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जहाँ सत्ता अर्थात अधिकार को प्राप्त करने वाले समाज में अन्याय वह अत्याचार का संचार करते हैं, जहाँ के सूत्रधर अर्थात समाज के संचालक, और जहाँ समाज के संचालक अन्यायी और अत्याचारी हों, वहाँ भला क्या हो सकता है, अर्थात वहाँ भला और क्या होगा। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जहाँ मेलजोल अर्थात संधि की बातें, नीतियुक्त बातें स्वीकार ना की जाए, और जहाँ सत्य बोलने वालों के सिर काट दिए जाएं, वहाँ शांति स्थापित नहीं होती, वहाँ केवल युद्ध ही अंतिम उपाय रह जाता है।
देखिए, अगर विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि युधिष्ठिर युद्ध के लिए स्वयं को दोषी मानते रहे, परंतु भीष्म पितामह संधि के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले दुर्योधन को युद्ध के लिए दोषी मानते हैं। इस काव्यांश की भाषा सरल व सहज है और पाठकों के लिए आसानी से ग्राह्य है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी द्रष्टव्य है। देखिए, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। देखिए, खड़ग बल अर्थात तलवार के बल से, भभकना अर्थात उबलना। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जहाँ अन्याय और अत्याचार का आचरण हो और उस अन्याय व अत्याचार का विरोध किया जाए, वहाँ केवल संघर्ष ही एकमात्र उपाय रह जाता है। जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, कि जहाँ शासन का एकमात्र आधार केवल तलवार हो, अर्थात तलवार के बल पर शासन सत्ता स्थापित की जाए, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, अर्थात तलवार के बल पर स्थापित किए गए शोषण और अत्याचार के शिकार होने से शोषितों का हृदय क्रोध की अग्नि से धधक रहा हो, अर्थात अन्याय अत्याचार द्वारा लोगों को दबाया और सताया जाता हो, तब वे प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि धधकने लगती है। सहते सहते अनय जहाँ, अनय अर्थात अन्याय, मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, कि जहाँ अन्याय अधर्म के आचरण को सहन करते करते व्यक्ति का मन मर गया हो, अर्थात उसमें साहस ना रहा हो, और ऐसी परिस्थितियों में जीवन जीने के कारण व्यक्ति स्वयं को कायर मानकर स्वयं से ही घृणा कर रहा हो, वहाँ भला शांति कैसे रह सकती है। अर्थात अन्याय व अत्याचार के कारण सदैव युद्ध की स्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो जन जन का यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ यह व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। अहंकार के साथ घृणा का द्वंद जहाँ हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने भीष्म पितामह के शब्दों में युधिष्ठिर को युद्ध के मूल कारणों की ओर संकेत किया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि युद्ध के उत्पन्न होने का मूल कारण अहंकार व घृणा की स्थितियां हैं, अर्थात शोषक वर्ग के अन्याय व अत्याचारपूर्ण आचरण के कारण शोषित वर्ग में उनके तथा उनके शासन के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऊपर शांति तलातल में छिटक रही चिंगारी, कैसी शासन व्यवस्था में ऊपर ऊपर से तो शांति विद्यमान रहती है, अर्थात देखने मात्र में सब कुछ उचित लगता है, परंतु वास्तविक रूप में शोषित वर्ग के हृदय में भीषण चिंगारियां, विद्रोह की चिंगारियां सुलगती रहती हैं। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। कवि कहते हैं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई
भयंकर विस्फोट अथवा धमाका होने वाला है, अर्थात मौत का तांडव रचा जाने वाला है। और इन दोनों वर्गों के हाव भाव से यह स्पष्ट रूप से जागृत हो जाता है कि यह स्थितियां अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कवि द्वारा अन्याय व अत्याचार के आचरण को युद्ध का मूल कारण बताया गया है। भाषा सरल व सहज है, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियाँ सदैव विध्वंस का कारण बनती हैं। पढ़कर भी संकेत सजग हों, किंतु न सत्ताधारी दुर्मति और अनल में दें आहुतियाँ बारी बारी, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमान से, कभी कभी शरवेदक व्यंग्य वचन से। शरवेदक व्यंग्य वचन अर्थात बाणों के समान चुभने वाले व्यंग्य वचनों से। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि दिनकर भीष्म पितामह के शब्दों में युद्ध के लिए सत्तारूढ़ पक्ष को ही जिम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि यदि सत्तारूढ़ पक्ष शोषित वर्ग के मन में पनप रही पीड़ा, विरोध आदि के भावों के संकेत मिलने पर भी सचेत ना हो और उचित आचरण करने के बजाय दुर्मति अर्थात बुरे विचार, अनल अर्थात अग्नि अर्थात बुरे विचारों की आग से शोषण पूर्ण कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करें तो वह युद्ध अवश्यंभावी होकर रहता है। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमान से, कभी कभी शरवेदक व्यंग्य वचन से। किस प्रकार शोषक वर्ग शोषण के लिए नए नए तरीके अपनाता है, कभी वह शोषित वर्ग की उपेक्षा करता है, कभी उसका अपमान करता है, कभी वाणी के माध्यम से उसे चुभने वाले व्यंग्य वचन कहता है। इस प्रकार वह सदैव विद्रोह को भड़काकर युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर देता है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो सत्ताधारी पक्ष की अनुचित नीतियों पर कवि ने भीष्म पितामह के शब्दों में करारा व्यंग्य करने का प्रयास किया है। भाषा सरल व सहज है और पाठकों के लिए आसानी से ग्राह्य है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने सत्तारूढ़ दल के शोषण द्वारा स्थापित शांति के दुष्परिणामों को चित्रित करने का प्रयास किया है। कवि भीष्म पितामह के शब्दों में कहते हैं कि जब शोषित वर्ग को व्यंग्य वचनों से अपमान, घृणा आदि से दबाया जाता है, ऐसी स्थिति में यदि उनका क्रोध भड़क कर बाहर निकल आए, अर्थात वे अपने संयम को दरकिनार कर शोषकों का विरोध करने के लिए खड़े हो जाएं और स्वयं काल अर्थात मृत्यु के देवता का रूप धारण कर अन्यायियों पर टूट पड़े, तो उसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार उत्पन्न हुआ विरोध सदैव विनाश के लिए उत्तरदायी सिद्ध होगा। कहो कौन दायी होगा? दायी होगा अर्थात उत्तरदायी होगा कुछ दारुण जगदहन का। दारुण अर्थात भयंकर, जगदहन अर्थात संसार को जलाने वाली अग्नि, अहंकार या घृणा, कौन दोषी होगा उस रण का? देखिए,
भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तुम ही कहो उस अन्याय अथवा अत्याचार का उत्तरदायी कौन होगा, इस विनाश का उत्तरदायित्व किस पर रहेगा। शोषकों के मन में उत्पन्न हुए अहंकार के कारण शोषितों के हृदय की घृणा का जिम्मेदार कौन होगा, अर्थात इस अन्याय और अत्याचार एवं युद्ध के विनाश के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार शोषकों की अहंकार पूर्ण नीतियां ही हैं। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो दुर्योधन की अन्यायपूर्ण नीतियों को युद्ध का उत्तरदायी बताया गया है। भाषा सरल व सहज है और अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है।